अस्सलाम वालेकुम। आज का लॉग है हमारा शादी का, तो हम जा रहे हैं मुमरा शादी के लिए। देखते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं आपको आगे एक बहुत ही अच्छी चीज़ दिखाऊंगी, एक आपके लिए सरप्राइज़ है। देखिए तो अब यह हो रहा है अंजू का मेकओवर। देखिए बस खाली उसको भी नेकलेस पहनाना था, बाकी उसका मेकओवर तो पूरा हो चुका था। देखिए हम दोनों ने जो है नेकलेस सेम पहने थे। और अंजुम का मेकओवर हो चुका है, अब स्टार्ट होगा मेरा। और हमने उसको हेयर स्टाइल जैसे कि हेयर बैंड होता है उस तरीके का बांधा था। और अब स्टार्ट होगा मेरा मेकअप। देखिए और मेरा जो है मेकअप हो चुका है। और हमने मेहंदी आपको जो हमारा पिछली बार का इससे पहले का वीडियो है, हाँ आपको उसमें देखना मिला होगा कि मेरा मम्मी हमें मेहंदी पाड़ रहे हैं। मेरा मम्मी ने ही हमें मेहंदी पाड़ा। हम दोनों ने सेम ड्रेसेस भी और नेकलेस और सब चीज़ आई शेडो भी सेम लगाए थे। और अभी नानी आ चुके हैं, अभी थोड़ा सी नानी को मेकअप कर रहे हैं। नानी पहली बार मेकअप कर रहे हैं, इसके लिए बहुत ही डर रहे थे कि ज़्यादा फाउंडेशन तो नहीं हो गया। बार बार हम लोगों से पूछ रहे थे, हम लोग बोला नहीं फाउंडेशन लगता है पहले इतना ज़्यादा, मगर फिर बाद में हो जाता है हल्का। अभी थोड़ी देर में हम निकलेंगे शादी के लिए। और अभी नानी का मेकओवर हो चुका है। और अभी मरियम को हमने ऐसे कर दिया था क्योंकि वो बोल रही थी कि तुम अभी दीदा लोग को मेकअप कर रहे थे, मुझे भी मेकअप करो, तो इसके लिए उसको भी मेकअप कर दिए। और जो मेरा एक ड्रेस है उसके ऊपर का ये है फ्लावर, तो उसने लगाकर बीच मतलब अकेले में तैयार हो रही थी। और नानी अल्लाह हाफिज कर रहे हैं सबको। अल्लाह हाफिज कर रहे हैं। हम आ चुके हैं कुर्ला स्टेशन पर और हम बैठे ट्रेन में। ट्रेन में बहुत ही ज़्यादा गर्दी थी इसके लिए हम नहीं बना पाए। और हम आ चुके हैं अभी मुमरा स्टेशन पर। देखिए हम आ चुके हैं मुमरा में। अभी हमें देखिए ये रहा सरप्राइज, ये है मुमरा की पहाड़े। देखिए बहुत ही, आप उधर जाओगे ना तो आपको इतनी मस्त लगेगी। तो वीडियो में इसके लिए ज़्यादा क्लियरली नहीं दिख रही है आपको, मगर आप उधर रियल में जाओगे ना तो आपको इतनी मस्त लगेगी, ऐसा लगेगा आपको कि आप उधर मतलब उधर खड़े हो आप। तो देखिए हम अभी रिक्शा में बैठ चुके हैं और अभी हम जा रहे हैं हॉल। हमारे हॉल का नाम था नूरबाग हॉल। तालाब के सामने नूरबाग हॉल जो है, उधर हमने बहुत ही एंजॉय करी, बहुत ही मज़ा आई। ये सब उधर मार्केट लगा हुआ है।
और ट्रैफिक बहुत ज्यादा था, ट्रैफिक भी ज्यादा था। दोनों साइड में बाजार थे, जो सब शूज ड्रेसेस जैसे कि वेजिटेबल्स फ्रूट्स और बच्चे लोग के नाइट ड्रेस स्वेटर ये सब मिल रहे थे, क्योंकि अभी ठंड का वक्त है, इसके लिए स्वेटर वीटर भी मिलना स्टार्ट हो गए। और जैसे कि प्लास्टिक के जो टिफिन्स होते हैं वो सब मिल रहा है, जैसे कि फ्रूट्स विट्स ये सब मिल रहा है। देखिए तो ये सब उधर की बिल्डिंग्स है, अभी थोड़ी ही देर में हमारा आएगा हॉल नूरबाग हॉल। देखिए तो ये आ चुका है हमारा हॉल नूरबाग हॉल, और हम अभी थोड़ा, क्योंकि हम सबसे पहले पहुँचे थे, अभी तो तैयारी स्टार्ट थी, तो इसके लिए हम अभी थोड़ा नाश्ता करने बाहर आए हैं। और देखिए तो हमारी अभी हॉल की लाइट्स चालू हो चुकी है, निकाह है इसके लिए इधर ऐसा पर्दा लगा कर रखे है, कितनी मस्त लाइटिंग्स लगी थी। और उधर नानी के बहुत सारे रिश्तेदार हैं जो सब मिल गए थे एक साथ, तो इतनी मज़ा आई हमें। अभी पूरा खाली था, जो है दुल्हन दूल्हे वाले उस साइड थे और दुल्हन वाले इस साइड थे, तो हम दुल्हन वाले थे इसके लिए हम इधर बैठे थे। और ये है पूरी नानी की फैमिली, और अभी हमारा खेलना स्टार्ट है, हम थोड़ा खेल रहे थे क्योंकि पूरा खाली है, नानी अपना बात कर रहे हैं अपनी बहनों से, तो हम लोग इसके लिए हट गए थे। और देखिए तो अभी सब पब्लिक आ चुकी है, जो देखिए जो कि नानी के सब बहन चाची है इन लोग सब, और अभी नानी फोटो खिंचाने गए हैं, फोटोस खिंचाने गए हैं। ये सब पूरी है जो नानी की फैमिली है सब, और नानी का फोटो खिंचा के अभी हो जाएगा। तो अभी यही जो शादी में होता है जो स्वीट्स वो सब अभी पिलाए जा रहे थे, और अभी फोटोग्राफर फोटो खींच रहे हैं। देखिए तो ये जो ब्लू ड्रेस मेरी आंटी है, ये है दुल्हन के लिए जो भी है, और ये जो ब्लू कोट पैंट वाला है वो दुल्हन का भाई है।
देखिए तो अभी दुल्हन को लेके जा रहे हैं। देखिए तो अभी दुल्हन को इतने सारे दुल्हन के इतने सारे फोटो खींच रहे थे कि कोई इसको आगे ही नहीं आना। तो देखिए उसके मम्मी दुल्हन के जो है वो रोने लग गए अभी से ही। बहुत ही इतनी ज्यादा मजा आई ना हम लोगों को। देखिए तो आपको अभी शायद से लग रहा होगा कि दुल्हन को तक घूंघट पिना कर रखे और बाद में हटा दिए, क्योंकि वो फोटो खिंचाने के लिए जो फोटोग्राफर था तो उसको उन्होंने बोला था कि वो थोड़ा सी घूंघट जो है हटा दो, मगर उसकी मम्मी लोग मना कर रहे थे अभी नहीं हटा सकते, मगर बोले खाली एक दो फोटोज के लिए हटा दो, तो फिर हमने हटाया था। Thank you.
देखिए तो अभी पर्दा लगा दिए क्योंकि अभी निकाह स्टार्ट है इसके लिए। उधर इस साइड दूल्हे को बिठाए थे और इस साइड दुल्हन को बिठाए थे और अभी निकाह चालू है। निकाह पढ़ाया जा रहा है अभी। सब आगे पीछे से दुल्हन को इस तरीके से घेर लिए थे अपने वीडियो बनाने के लिए। सब दुआ दे रहे थे। तुम दोनों आपस में ले लो समझ के। अमीना के पास है, अमीना उसको तो ले ले को तो खाएगा। अमीना ले ले तेरे पास पास। अमीना तू जो आएगी तो ये रोना स्टार्ट हो चुका है जो कि उनकी मम्मी ज़्यादा रो रहे थे, दादी इन लोग सब लोग रो रहे थे। और अभी हम थोड़ी देर में खाना खाएंगे क्योंकि हमें ट्रेन में जाना है, इसके लिए हमें लेट हो रहा है। तो दुल्हन की मम्मी बोल रही थी नहीं नहीं और थोड़ी देर बैठो और थोड़ी देर बैठो, मत जाओ मत जाओ। नानी बोले नहीं ट्रेन से जाना है लेट हो जाएगा, कितना बोले मगर सुन रहे नहीं थे, कैसा ना कैसा करके तो माने वो। तो वो ये देखिए अभी हम थोड़ी देर में बैठ रहे हैं खाना खाने क्योंकि पूरे टेबल्स भरे हुए हैं। तो देखिए हमें टेबल मिल गई है तो हम खाना खाने के लिए बैठ गए। ये सब जो नानी के रिश्तेदार ये सब बैठ कर हमारे साथ खा रहे थे।
तो देखिए सब दुल्हन से भी ज़्यादा इतना मेकअप करके आए थे और ऐसे ड्रेस पहन कर आए थे कि दुल्हन भी फेल हो गई थी। दूसरे लोग ऐसे ड्रेसेस पहन कर आए थे। तो अभी हम जा रहे हैं, सबसे नानी मिल रहे हैं। देखिए तो हम जा रहे हैं, अभी निकल रहे हैं बाहर। सब नानी की चाची है सब। नानी सबसे मिल रहे, हम लोग खा रहे हैं थोड़ा सी। और ये जो गाड़ी, ये गाड़ियों के अंदर दुल्हन और दूल्हा आए थे। अभी हम थोड़ी देर बैठे थे, अभी खाना खाए थे, इसके लिए तो देखिए अभी हम निकल रहे हैं। जो किधर इतनी मस्त लाइट्स लगी हुई थी, तो सब लोग फोटो खींचने खड़े हो गए थे, सब फोटोज खींच रहे थे। तो हम लोग ने भी एक दो फोटो खींचे। तो देखिए अभी हम आ चुके हैं मुंब्रा स्टेशन पर फिर से। तो हमारे साथ एक और आंटी थे, जिनको जहाँ वो भी भैरमपदी रहते हैं, और वो हमारे साथ जा रहे हैं। अभी हम ट्रेन में बैठे हैं, देखिए।